नमस्कार, मैं हूं निमेश चौबे। आप सभी का ग्रेट ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आपके स्मार्टफोन में अपडेट आता है तो आप अपडेट को देखकर काफ़ी खुश होते हो और आप ये सोचते हो कि अपडेट के बाद मेरा स्मार्टफोन काफ़ी स्मूथ चलेगा, मेरे स्मार्टफोन की क्वालिटी थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी, मेरे कैमरे की क्वालिटी में थोड़ा सुधार आ जाएगा, मेरा स्मार्टफोन जो पहले लैग करता था अब थोड़ा कम लैग करेगा, मेरे स्मार्टफोन की बैटरी परफॉर्मेंस भी थोड़ी बेटर हो जाएगी। तो आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। क्यों? आपको सारा कुछ इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको अपडेट का लॉलीपॉप दे करके आपके स्मार्टफोन पर से आपकी आज़ादी को छीन लिया जाता है। और साथ ही मैं उन बड़े यूट्यूबरों की भी बात करने वाला हूँ जो महंगे कमरों में बैठ करके, एसी वाले कमरों में बैठ करके, महंगे सेटअप पर बैठ करके बड़े बड़े ब्रांड का अनबॉक्सिंग करते हैं, रिव्यू करते हैं, लेकिन कई सारे बातें आपसे छुपाते भी हैं और आप उन्हें ही सोशल मीडिया, यूट्यूब, अन्य सोशल मीडिया पर आप उन्हें फॉलो करते हो। क्या कुछ है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपको अपने स्मार्टफोन को अपडेट क्यों नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जो सबसे पहला कारण है अपने स्मार्टफोन को अपडेट ना करने का, वो है कैमरा। दोस्तों, अपडेट करने के बाद हो क्या रहा है, आपके कैमरे की क्वालिटी को डाउन कर दिया जा रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर कैमरे की क्वालिटी को डाउन क्यों किया जा रहा है, आखिर ब्रांड को इससे क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों, सिंपल सा लॉजिक है, आपको समझना होगा। दोस्तों, अगर अपडेट के थ्रू आपके कैमरे की क्वालिटी डाउन कर दी जाएगी तो आप ये सोचोगे कि मैं अपना पिक्चर अच्छे से क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा फ़ोटो साफ नहीं आ रहा, क्लियर नहीं आ रहा। तो आप ये सोचोगे कि उसके जो नए अपकमिंग स्मार्टफोन है, जो नए स्मार्टफोन आ रहे हैं कंपनी के, आप उसे परचेज़ करोगे, ना कि आप पुराना फ़ोन यूज करोगे। अब आपको अगर अपडेट के थ्रू कैमरे में इम्प्रूवमेंट कर दी जाए, कैमरे की क्वालिटी बढ़ा दी जाए, तो दोस्तों आप अपना पुराना फ़ोन यूज करते रहोगे और कंपनी को जो नए फ़ोन लॉन्च कर रही है वो बिकेगा नहीं। तो दोस्तों, इससे कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा और कंपनी इससे पैसे नहीं बना पाएगी। और साथ में आपको दूसरा जो मैं बात बताने वाला हूँ वो है बैटरी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब आप अपना शुरू में स्मार्टफोन खरीदते हैं, अपना स्मार्टफोन यूज करते हैं तो अच्छे से चलता है, गर्म नहीं होता। जब आप अपना स्मार्टफोन अपडेट कर देते हैं, उसके बाद चार्ज पे लगाते हैं तो फ़ोन गर्म हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, और उसके बाद जब यूज करते हैं तभी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और साथ ही आपकी बैटरी बहुत जल्दी डाउन होने लगती है, बहुत जल्दी आपकी बैटरी लो हो जाती है। अब तीसरे चीज़ की बात करते हैं, वो है उसका प्रोसेसर। दोस्तों, अपडेट के थ्रू प्रोसेसर में भी कई ऐसे वायरस डाल दिए जाते हैं, कई सारे ऐसे कोडिंग डाल दी जाती है जिसके कारण आपका प्रोसेसर भी लो हो जाता है। शुरू में जब आप स्मार्टफोन खरीदते हो तो आप पबजी उसमें कुछ भी खेल सकते हो, आपका फ़ोन लैग नहीं करेगा, हैंग नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आप अपडेट करते हो, अपडेट करने के बाद आपका स्मार्टफोन लैग करने लगता है, उसमें हैंगिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हालांकि लोग अपडेट करते हैं अपने स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस को हाई करने के लिए, हाई लेवल का बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ प्रोसेसर को भी लो कर दिया जा रहा है ताकि कंपनी के जो नए अपकमिंग स्मार्टफोन है वो आप ख़रीदो ताकि कंपनी को प्रॉफिट हो। नहीं तो अगर आपके स्मार्टफोन को इम्प्रूव कर दिया गया सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू, तो आप उसके कंपनी के जो नया स्मार्टफोन आने वाला है वो आप नहीं खरीदोगे। और अगला जो पॉइंट निकल के आता है, अगली जो बातें निकल के आती है, वो है उसका स्टोरेज। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब आप नया स्मार्टफोन खरीदते हो तो आपके स्मार्टफोन में 32 GB स्टोरेज दिया जाता है, जिसमें 21 GB अवेलेबल दिखाता है, स्पेस खाली दिखाता है। जब आप अपना स्मार्टफोन अपडेट करते हो, अपडेट करने के बाद वो स्टोरेज भी आपका और कम कर दिया जाता है, उसको लो कर दिया जाता है। और रैम की बात करें तो आपका रैम भी काफ़ी उसे कम कर दिया जाता है, और कम करने के बाद अगर आप किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो तो काफ़ी ज़्यादा हैंग करेगा, लैग करेगा। लैग करने के बाद ये भी कारण हो सकता है कि आप अपने स्मार्टफोन को छोड़ दो, जो कंपनी के नए अपकमिंग स्मार्टफोन है वो आप ख़रीदो। दोस्तों, आप ये सारी चीज़ें जान रहे हो तो साथ में आपको ये भी जानना होगा कि जब आप नया स्मार्टफोन खरीदते हो तो उसमें कोई इनबिल्ट एप्लीकेशन ज़्यादा नहीं दिया जाता है। जैसे ही आप अपना स्मार्टफोन अपडेट करते हो, अपडेट के बाद कई सारे इनबिल्ट एप्लीकेशन आ जाते हैं जो ऑन इंस्टॉल भी नहीं होते। दोस्तों, ये एप्लीकेशन ऐड चलाने के लिए उसमें डाले जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए डाले जाते हैं, जिसे आप ऑन इंस्टॉल भी नहीं कर सकते।
दोस्तों ये भी एक कारण हो सकता है आपके स्मार्टफोन को लैग कराने के लिए, उसको हैंग कराने के लिए। दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो इसमें कंपनी का ही फायदा है। और दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आप इस प्रॉब्लम को फेस कर चुके हैं। आप अपने स्मार्टफोन को अपडेट करने के बाद आपका स्मार्टफोन भी हैंग कर रहा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको अब ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे ये बड़ी बड़ी कंपनियां आपको अपडेट का लॉलीपॉप दे करके आपके स्मार्टफोन पर से आपकी आज़ादी को छीन ले रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ महंगे यूट्यूबर की। उनको महंगा मैं क्यों कह रहा हूँ, दोस्तों ये यूट्यूबर महंगे सेटअप में बैठ करके, एसी वाले कमरे में बैठ करके, डीएसएलआर कैमरे के सामने बैठ करके ये अनबॉक्सिंग करते हैं, बड़े बड़े ब्रांड का रिव्यू करते हैं, उनके प्रोडक्ट को अच्छा बताते हैं और आपको ये नहीं बताते कि आखिर इसे अपडेट करने के बाद आखिर होने वाला क्या है। तो दोस्तों ऐसे वीडियोज आपको यूट्यूब में बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऐसा वीडियोज कोई अगर यूट्यूबर बनाता है तो उससे उसकी रिव्यू यूनिट छिन जाने का खतरा रहता है, उसे बाद में रिव्यू यूनिट नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो ब्रांड की वो कहते हैं ना बड़ाई वो नहीं कर रहा, वो ब्रांड की चापलूसी नहीं कर रहा, ब्रांड के बारे में सही बता रहा है। तो ऐसे यूट्यूबर आपको यूट्यूब पर बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगे। सारे महंगे यूट्यूबर आपको देखने को मिलेंगे जो बड़े बड़े सेटअप पर बैठ करके, महंगे कैमरों के सामने बैठ करके वीडियोज़ बनाते हैं, और ऐसे वीडियोज़ वायरल भी होते हैं, लोग देखते भी हैं और कहते हैं वाह क्या वीडियो बनाया है। और आपको वो यूट्यूबर आपको ये कभी नहीं बताएंगे कि आपको ये अपना स्मार्टफोन अपडेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये वही यूट्यूबर है जिन्हें आप सोशल मीडिया पर देखते हो, फॉलो करते हो, यूट्यूब पर भी फॉलो करते हो, सब्सक्राइब करके रखे हो। तो आपको देखना है, आपको खुद से सोचना है कि क्या आपके साथ ऐसा होता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये टारगेटेड वीडियो नहीं है, मैं किसी की इसमें बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी ब्रांड की इसमें बुराई नहीं कर रहा हूँ। ऐसा हो भी सकता है क्योंकि जो बड़ी कंपनियाँ होती है, बड़े बड़े कंपनियों पर भी ऐसे आरोप लग चुके हैं जो अपने स्मार्टफोन में सॉफ्टवेयर के थ्रू कुछ डाल देते हैं जिसके कारण आपका स्मार्टफोन की क्वालिटी लो हो जाती है। क्वालिटी लो होने का सीधा मतलब है कि आप उनके अपकमिंग जो नए स्मार्टफोन हो आप खरीदो, नहीं तो आप ऐसे अपडेट के थ्रू आपकी क्वालिटी इंप्रूव की जाएगी तो आप पुराना ही फ़ोन यूज़ करते रहोगे, इससे उनको फ़ायदा नहीं होगा। तो दोस्तों कैसी लगी है वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।